हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो रेस्टोरेशन एज है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को, उसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने डिस्कस किया था, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले हैं जिनकी डेट आपको याद रखनी है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरी राइटर को। डायरी राइटर से हर बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरी राइटर है तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे रिवीजन वाली वीडियो बना रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में हम डायरी राइटर्स को डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन 100% पेपर में बनेगा, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और काफी हेल्प मिलेगी आपको यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन करने में। तो आज हम डिस्कस करते हैं डायरी राइटर्स को। डायरी जो राइटर है उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है सैमुअल पेपेस और जॉन एवलिन। इनकी डायरी की टाइमलाइन आपको याद करनी है, इनकी टाइमलाइन जो बर्थ डेट है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट फेमस डायरी राइटर रहे हैं 1660 से लेकर 1669 तक। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है कि इनकी डायरी की टाइमलाइन क्या है। द डायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में ये डायरी राइटर रहे हैं। इनकी जो डायरी है वो 1660 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और रिकॉर्ड है उनकी लाइफ में ऑलमोस्ट 10 साल की जो लाइफ उनकी रही है उनका रिकॉर्ड मिलता है इनकी डायरी में। जो भी 10 साल में कुछ इवेंट्स हुए हैं वो इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। इनकी डेथ के बाद 1825 में इनकी डायरी को डिस्कवर किया गया और फाइनल पब्लिकेशन आई इनकी 1983 में। और इसमें पब्लिकेशन में 700 के आसपास जो है पेजेस हैं जो लिखे हैं इन्होंने, उनको पब्लिश किया गया 1983 में। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, ये भी और कब लिखना शुरू किया था और कब तक लिखा है, तीन डेट हो गई है। उसके बाद मेंशन क्या किया है डायरी में, ही मेंशन इन हिज डायरी द ग्रेट फायर ऑफ लंडन इन 1666 1666। ये डेविल्स नंबर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और प्लेग फैल गया था 1665 में, ये भी मेंशन किया है इन्होंने अपनी डायरी में। और 1662 में एक शेक्सपियर का एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, मिडसमर नाइट ड्रीम। और ये परफॉर्मेंस करते टाइम जब इन्होंने देखा इस प्ले को तो कमेंट किया that it was the most stupid and ridiculous play that I have ever seen. As it is question पूछा गया है recent ही अभी कि ऐसा किसने बोला है, कौन सा diary writer है वो, ये है Samuel Pepys। और 1663 में एक play और attend किया इन्होंने, Twelfth Night, Shakespeare का play है ये। इस पे भी comment किया है, it was a silly play that not related to day or date, जो day or date से related नहीं कर रहा, ये मोस्ट स्टूपिड प्ले है, मोस्ट सिली प्ले है, ऐसा किसके बारे में बोला है, ट्वेल्थ नाइट के बारे में। ही स्टॉप्ड राइटिंग डायरी इन 1669 बिकॉज ही लॉस्ट हिज आईसाइट इन्होंने खो दी थी 1669 में, उसके बाद इन्होंने डायरी लिखना बंद कर दिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरी राइटर। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट डायरी राइटर है जॉन एवलिन की डायरी लिखने की टाइमिंग है 1641 से लेकर 1697 और पब्लिश की गई थी इनकी डायरी 1818 में। और ये डायरी लिखने के साथ साथ नेचर के लवर भी थे, प्लांटेशन में काफी इंटरेस्ट रखते थे और इन्होंने लिखा है सिल्विया और द डिस्कोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्रोपगेशन ऑफ टिम्बर, ये लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। लेकिन सिर्फ टाइटल याद रखना है, अगर आप इस टाइटल को भी याद ना रखें तो एक चीज याद रखनी है कि ये डायरी राइटर है और ये इसकी टाइमलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डायरी राइटर है लेडी हचिंसन। इन्होंने रिकॉर्ड को शेयर किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस को, एंड सी आल्सो सपोर्ट द रिपब्लिकन करियर ऑफ हर हस्बैंड इन द बायोग्राफी ऑफ हर हस्बैंड। इन्होंने अपने हस्बैंड की बायोग्राफी लिखी है, वो भी डायरी में मेंशन की है, मेमोयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ कर्नल हचिंसन, इस नाम से इसको पब्लिश किया गया। फिर उसके बाद अगली डायरी राइटर है लेडी मार्गरेट कैविंडिश, द ट्रू रिलेशन ऑफ माई बर्थ ब्रीडिंग एंड लाइफ, ये वर्क लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका, लेडी मार्गरेट कैविंडिश का। तो ये डायरी राइटर है जो आपको
अच्छे से याद करने हैं। सिर्फ चार डायरी राइटर के नाम याद रखना, सैमुअल पेपेस, जॉन एवलिन, लेडी मार्गरेट कैवेंडिश और लेडी हचिनसन। ठीक है, लेडी हचिनसन, ये हचिनसन विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम भी है, लेकिन ये वो वाली नहीं है, ये याद रखना। तो डायरी की टाइमलाइन याद रखनी है, चारों के नाम याद रखने हैं, नाम भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा डायरी राइटर है, इनमें से कौन सा डायरी राइटर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में बने हैं पहले, इसलिए ये याद रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल पीरियड को, तो इसका रिविजन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। So this is all about today. Be safe, stay connected, best of luck, God bless you.